नारियल के तेल में मिला करके लगा लीजिए इन 6 चीज़ों को और आप अपने चेहरे पर जमी हुई मैल की एक लेयर या फिर आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर जमी हुई मैल की इस लेयर को सिर्फ 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ऐसा करना मुमकिन है, क्योंकि नारियल के तेल के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे एडिटिव्स मिले हुए होते हैं या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके साथ में अगर आप इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन सिर्फ आपको सही तरीके से इन चीज़ों को मिलाना है जिसकी वजह से आप परफेक्ट एक फॉर्मूलेशन को तैयार कर सकें। इस फॉर्मूलेशन को मैं बताऊंगा कि कैसे चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे शरीर पर इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप एक हेल्दी ग्लोइंग चमकदार स्किन के मालिक बन सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लेते हैं एक कमेंट जो हमारे किसी व्यूअर और इस परिवार के मेंबर ने बताया है हमें वीडियोज़ के नीचे लिख करके, ताकि हमें भी पता चले कि क्या कुछ हमारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये कमेंट आता है राम अवतार गुर्जर 3026 की तरफ से। हालांकि ये नाम जो है वो एक मेल का है, लेकिन जो मैसेज जो मिला है वो एक फीमेल की तरफ से मिला है। और इस मैसेज में इन्होंने लिखा है कि सर, मैं स्किन अफेयर्स के इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस क्रीम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने इससे पहले निविया, पॉन्ड्स और ममा अर्थ की भी मॉइस्चराइजर्स यूज़ किए थे, लेकिन आपके ब्रांड जैसा रिजल्ट किसी और क्रीम से मुझे नहीं मिला। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इन शॉर्ट, बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन, स्पेशली ऑल सीजन्स फॉर समर्स। थैंक यू सो मच राम अवतार गुर्जर जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके लिए बना रहा हूँ तो मैं हमेशा ये ध्यान रखूँ कि आप उस प्रोडक्ट को सभी तरह की स्किन पर यूज़ कर सको और सभी तरह के वेदर में इस्तेमाल कर सको। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक भी इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ नहीं किया है तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, मेक श्योर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को पूरा दिन हाइड्रेशन और नरिशमेंट देने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, इसी पॉजिटिव फीडबैक के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं नारियल के तेल के अंदर 6 चीज़ों को मिलाकर कैसे लगाएं जिससे हम मैल की लेयर को निकाल सकें। तो दोस्तों, नारियल के तेल के अंदर होता है लॉरिक एसिड, और ये लॉरिक एसिड जो होता है ये स्किन को नेचुरली पील करने में हमारी मदद करता है। आप में से बहुत सारे लोग जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो स्किन स्पेशलिस्ट कहता है कि आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जिसमें प्रॉब्लम्स है उसे निकालने के लिए आप केमिकल पील करवा लीजिए, और ये केमिकल पील्स बहुत महंगे होते हैं। प्रकृति ने हमें नारियल तेल दिया है जिसमें नेचुरली ल्यूरिक एसिड है जो कि पीलिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसीलिए जब भी कोई दाग धब्बा हो जाता है, कोई चोट का निशान लग जाता है, तो सदियों से हम नारियल के तेल का इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि ये नारियल का तेल स्किन की ऊपर वाली लेयर को निकालता जाता है और नीचे से नए सेल्स बाहर आ जाते हैं। इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए आपको लगभग 4 चम्मच नारियल का तेल लेना है। इस 4 चम्मच नारियल के तेल के अंदर आपको मिलाना है 2 चम्मच मुलैठी पाउडर। मुलैठी पाउडर, जिसको कि इंग्लिश में लिकरिश कहा जाता है, ये भी अपने आप में प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमारी स्किन को फेयरनेस देता है, हमारी स्किन पे होने वाले जो दाग धब्बे हैं उन्हें हटाता है, हमारी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन या कालापन या जो मैल जैसी एक लेयर डेड सेल्स की चिपक जाती है उसे निकाल देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप मुलैठी खरीदते हो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप केमिकल बेस्ड या मिलावट वाली अगर मुलैठी खरीदोगे तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इस फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करना है वो है 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी इसलिए क्योंकि हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन एंजाइम, और ये करक्यूमिन एंजाइम जो है ये प्रूवन है कि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल और एंटी माइक्रोबाइल एजेंट का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के नीचे जो दबे हुए नए सेल्स हैं जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने से रोका जा सकता है, स्किन को रिजुविनेट किया जा सकता है और स्किन पर किसी भी फंगल इन्फेक्शन को होने से भी रोक देता है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम इस नारियल के तेल के अंदर ऐड करने वाले हैं वो है गुड़हल के फूलों का पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर कहिए या चाइना रोज पाउडर कहिए या फिर गुड़हल के फूलों का पाउडर कहिए, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्किन को हेल्दी बनाने वाले एंजाइम्स। ये सभी एंजाइम्स हमारी स्किन के ऊपर जब लग जाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर गहराई तक उतर कर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो कोशिकाओं में स्ट्रेस होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है और हमारी स्किन
नेचुरली हेल्दी दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डालना, ये हम यहाँ पर डालेंगे एक चम्मच। नंबर चार जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है नमक। नमक के अंदर होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब एक्चुअली NaCl, जब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो नमक मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। इस नमक को हमें यहाँ पे एक चम्मच डालना है। नमक के अंदर जो क्लोरीन होता है वो हमारी स्किन के जमे हुए सेल्स जो हैं उसे गहराई तक साफ करता है और हमारी स्किन के पोर्स तक उतर के उनको भी क्लीन या प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। सो एक चम्मच नमक हमें यहाँ पे डालना जरूरी है। नंबर पांच जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे ऐड करना है वो है सैंडलवुड पाउडर, मतलब कि चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है लगभग एक चम्मच। सफेद चंदन पाउडर ऐड कीजिएगा, लाल चंदन का पाउडर आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। चंदन के अंदर हमारी स्किन को कूलिंग और कामिंग प्रॉपर्टीज देने के गुण होते हैं, जिसकी वजह से जो नई कोशिकाएं बाहर आती हैं वो धीरे धीरे रिजुविनेट करने लगती हैं और उसके अंदर भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और हमारी स्किन धीरे धीरे हेल्दी होती चली जाती है। नंबर सिक्स जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है बहुत थोड़ा सा हम यहाँ पर राई का जो पाउडर होता है जिसको मस्टर्ड सीड्स कहते हैं, उसको पीस करके उसको कूट करके उसका पाउडर ऐड करेंगे, लगभग आधा चम्मच आप मान लीजिए। ये हमारी स्किन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो बहुत अच्छे से हेल्दी और ऑक्सीजनेटेड फील करती है और ग्लोइंगनेस उसके अंदर आने लगती है। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अब आप इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए ताकि ये लगाने के लिए कम्फर्टेबल हो जाए। आप एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप पेड़ से निकाला गया एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करेंगे, आपको मार्केट से लिया गया एलोवेरा जेल ही यूज करना है और वो भी 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए ताकि आपकी स्किन के नीचे दबी हुई नई कोशिकाएं जब बाहर आए तो उसके अंदर किसी भी तरह की सेंसिटिविटी इंक्रीज ना हो जाए। इन सारी चीजों को मिलाकर आप अपने उस गहरे जो डार्क हिस्से वहां पर लगाइए, चाहे वो आपका चेहरा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपके अंडरआर्म्स हैं, आपकी पीठ है, आपका शरीर का कोई भी दूसरा हिस्सा है, लगा करके 10 मिनट छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए उस हिस्से को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है क्योंकि ये आपकी स्किन को नमी देगा और आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई होने से या पपड़ी बनने से रोक देगा। तो ये जब आप फॉलो कर लेंगे, हफ्ते में आपको 3 से 4 बार करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रोज 3 बार लगातार कर लीजिए, फिर अगले हफ्ते 3 दिन लगातार कर लीजिए। तो ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपको खत्म होती हुई नजर आने वाली है। मेक श्योर इसे तब तक आप रिपीट करें जब तक कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती है। जनरली 3 से 4 एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, बट फिर भी कभी कभी जिद्दी होता है, टाइम लग सकता है। मेक श्योर ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।